जानवर भी ज़िबा हो गया, कलेजी भी निकाल के दे दी, लेकिन अभी तक कुछ पका ही नहीं और भूख से बुरा हाल हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। और कलेजी को पकाने में जो टेंशन होती है ना सबसे बड़ी, वो उसका कुक टाइम होता है जो हम लोगों को पता ही नहीं होता। और अभी मुँह उठा के कलेजी पक रही होती है और बार बार चेक हो रही होती है, अभी तक गली नहीं, अभी तक गली नहीं, अभी तक गली नहीं, और सारे रोला डाल रहे होते हैं कि भूख लग रही है, बस करो कुछ ले आओ, अब कुछ ले आओ। इन सारे मसलों का एक हल है कि आपको एक चीज़ क्लियर पता हो, ठीक है, कि कलेजी या तो पकेगी 5 मिनट में या फिर पकेगी 1 घंटे में। ये टेक्निक है जो कलेजी पकाते हुए आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इसको पकाते हैं तवे के ऊपर, बड़ी कढ़ाई के ऊपर, कि जिसमें एक एक बूटी सिक सके और नरम कलेजी बने। हाँ, नरम कलेजी का भी बड़ा चक्कर है, चलें खैर उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल तो उस पर आप कलेजी को जब बनाएंगे, भूनेंगे, और कलेजी अपना पानी छोड़ने से पहले, हाँ कि मतलब कलेजी पक रही है और वो पानी ना छोड़े, ठीक है, तो सिर्फ 5 मिनट, बात ख़त्म, कलेजी तैयार है, खाएं। जैसे कि ये जो तवा कलेजी मैं बना रही हूँ, मिनटों मिनटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़ाहिर इतने बड़े बड़े तवे तो घरों में होते नहीं, ना इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, तो देगची में बनेगी और देगची में वो पक्का पानी छोड़ेगी छोड़ेगी, इसलिए इसलिए उसने पकना है 1 घंटे में, ठीक है, देगची में, प्रेशर कुकर में नहीं। मैं कह रही प्रेशर कुकर में 25 मिनट में बड़ी हद ये गल जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब कुक टाइम पता हो ना तो फिर आप, और 1 घंटा तो कुछ भी नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे हो जाते हैं, अभी तक तो कुछ पक के नहीं आया, राइट। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर तो तवा कलेजी टाइप बना रही हैं फिर तो कोई चक्कर नहीं, मसाला तो पहले ही आप बना के रख सकती हैं, ये जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे ही कलेजी आए धोई काटी और उसमें डाली और बस। अगर मतलब घर में एक दो लोग ही हैं तो उनको तो ये काफ़ी होगी, या जितना बड़ा तवा अवेलेबल है, डिपेंड्स। और अगर आप देगची में बना रही हैं, कुकर में बना रही हैं, प्रेशर कुकर में वैसे दिल नहीं करता कुर्बानी का गोश्त बनाने को, और लेकिन खैर चलें, अगर ज़्यादा जल्दी हो तो उसमें आपको सिर्फ देखें कितना टाइम लगा, 25 मिनट 20 मिनट में गल जाएगी। और देगची में बना रही हैं तो 1 घंटा उसको आप आराम से पकने देंगी हल्की आँच पर, और बहुत अच्छी सी गल जाएगी, नरम हो जाएगी। अच्छा, ट्राई करके ज़रूर देखना है, बेशक 2-3 बोटियाँ लेके ना तवे पे डाल के या पैन में डाल के, नमक डाल के हल्का सा और मिर्च डाल के उसको ट्राई ज़रूर करना है, और 5 मिनट बाद उसको ज़रा चेक करना है कि ठीक मैंने कहा है कि नहीं, क्योंकि ट्राई किए बगैर कहाँ पता चलेगा आपको, तो इसलिए इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना है। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें, फटाफट रेड बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड डू ट्राई द रेसिपीज़। ईद तो बड़ा अच्छा मौका है ईद रिलेटेड रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए, और कल एक और मज़े की रेसिपी टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।